हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी प्रोटीन से भरा हुआ स्नैक बनाने लगे हैं, चिकन सलामी। चिकन सलामी एक बेहतरीन स्नैक है जो कि एडवांस में बनाया जा सकता है। आप इसे फ्रीज़र में 2 महीने तक के लिए रख सकते हैं और फ्रिज में ये बहुत ही आराम से 3 से 4 दिन तक चल जाता है। जो लोग कम तेल वाला खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये स्नैक है खुशखबरी, क्योंकि इसमें तो एक बूंद तेल भी नहीं डला हुआ है। चिकन सलामी को आप कई तरीकों से खा सकते हैं, वे सभी तरीके मैं शेयर करूंगी सलामी बनाने के बाद। और फ्रेंड्स, अगर आपको आता है ये वीडियो पसंद तो याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। जैसा मैंने पहले भी कहा है, आपके लाइक्स और कमेंट्स की वजह से ही यूट्यूब वीडियो को आगे बढ़ाता है। तो चलिए बनाते हैं ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी स्नैक बिना तेल के। सलामी बनाने के लिए मुझे चाहिए 1/2 किलो बोनलेस चिकन। आप चाहें तो मार्केट से आप मिंस्ड चिकन भी खरीद सकते हैं। मैं आपको यहाँ वीडियो में जो फ्लेवरिंग्स दिखा रही हूँ, आप इसके अलावा और बहुत सारी फ्लेवरिंग्स यूज़ कर सकते हैं। उन सभी वेरिएशंस को मैं अभी वीडियो में डिस्कस करती हूँ। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/3 कप कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। मेरे पास हमेशा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट फ्रीज़र में पड़ा होता है, इसीलिए मैं वह इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप साबुत अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक, अब आपकी मर्ज़ी है आपने नमक कौन सा लेना है, वाइट लेना है, काला लेना है, पिंक लेना है या फिर सी सॉल्ट लेना है। 3/4 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। इतने चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च से तीखा रहेगा बिल्कुल मीडियम, क्योंकि मैं सलामी बना रही हूँ बच्चों के लिए तो मीडियम तीखा रख रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो आप बेशक इन दोनों में से किसी भी चीज़ का क्वांटिटी बढ़ा दें, बेशक साथ में काली मिर्च डाल दें, पाउडर डालें या फिर साबुत काली मिर्च कूट दें। अगर आप मिंस्ड चिकन खरीद रहे हैं तो अलग बात है। अगर आप मेरी तरह बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दुकान वाले से ही उसके छोटे छोटे पीसेस कट करवा लें या फिर घर में खुद ही काट लें, ताकि मिक्सी में इसे घुमाना आसान रहे। मैं इसे फूड प्रोसेसर में घुमा रही हूँ, आप चाहें तो अपनी मिक्सी में घुमाएं। अगर फूड प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका शार्प वाला ब्लेड इस्तेमाल करना है। और मिंस्ड चिकन को अगर फूड प्रोसेसर में कर रहे हैं तो आप डो अटैचमेंट से भी कर सकते हैं। अब मैंने करना क्या है, इस सारे चिकन को मैंने डाल देना है फूड प्रोसेसर में। ध्यान रखें कि पानी ना जाए, आप जब चिकन को धोएंगे तो उसका पानी ना डालें। सारी ही चीज़ों को मिक्सी में डाल देना है, धनिया, नमक, रेड चिली फ्लेक्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, और बस इन सब चीज़ों को घुमा देना है। ध्यान रखना है पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। और अब जब घुमाएंगे तो पहले पल्स करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए घुमाएंगे। जब आप देखें कि चिकन के छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं तो फिर आप लॉन्ग प्रेस करके भी इसे घुमा सकते हैं, ताकि सब कुछ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो इसे खोलकर चेक करती हूँ मैं, कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए चिकन का, सब कुछ अच्छे से ही ब्लेंड हो गया है, कहीं मुझे मोटा पीस नहीं दिखाई दे रहा। चिकन को मैंने अभी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि इसे बाद में इस्तेमाल करना ईजी रहे। अब चिकन को पकाना कैसे है, उसके लिए एक बड़ा पतीला ले लें, इडली स्टैंड ले लें या कुकर ले लें, उसमें पानी डालकर तेज़ आंच पर गरम करने के लिए रखें अपने गैस स्टोव के सबसे तेज़ बर्नर पर, जो सबसे बड़ा बर्नर है। अब हमने इस चिकन की बनानी है टॉफियाँ। जी नहीं, मीठी टॉफियाँ नहीं बनानी है, पैकिंग ऐसे करनी है जैसे टॉफ़ी बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने लिया है एक एल्यूमिनियम फॉइल का बड़ा सा टुकड़ा और उसे डबल कर दिया है। डबल फॉइल लेने से पानी चिकन के अंदर नहीं जाएगा। अब ये जो चिकन हमारा मिंस हो गया है उसे मैं रखूँगी, आधे चिकन को रखूँगी मैं यहाँ फॉइल के बीच में। और अब देखिए, फॉइल को इस तरह से करेंगे फोल्ड और जो कोना है उसको चिकन के नीचे पुश कर देंगे और बहुत ही टाइट टाइट रोल बनाना है। आप जितना टाइट बनाएंगे उतना बढ़िया बनेगा। और अब इसे दोनों कोनों से उल्टी डायरेक्शन में पकड़कर मोड़ेंगे तो ये रोल बहुत टाइट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे हम गीले कपड़े में से पानी को निचोड़ते हैं, दोनों हाथों से उल्टी डायरेक्शन में घुमाकर। बिल्कुल इसी तरीके से मैं जो बाकी चिकन बचा है उसका भी रोल बना लूँगी। अब रोल को फोल्ड करते वक्त जो ध्यान देना है कि इसको टाइट बनाना है, लेकिन फॉइल फटनी नहीं चाहिए। अगर फॉइल फट जाती है तो आप उसके ऊपर फॉइल की एक और लेयर को रोल कर दें। मैंने यहाँ जो टॉफ़ी को पैक किया है इसकी दोनों साइड्स थोड़ी सी लंबी लंबी हैं, तो इन्हें मैं इस तरह से छोटा कर दूँगी ताकि ये पैन में आराम से फिट आ जाए। जितनी देर में मैंने यहाँ चिकन के ये रोल बनाए हैं उतनी देर में मेरा पानी भी उबल गया है। तो अब इन रोल्स को मैंने डाल देना है पानी के अंदर। रोल जब पानी में डालें तो यह चीज़ ज़रूर देख लें कि रोल पूरा पानी के अंदर डूब जाना चाहिए। जितने भी रोल्स बना रहे हैं सभी पानी में डूबने चाहिए। अगर कम है तो आप और पानी डालकर उबाल लें, उसके बाद ही रोल डालें। अब इस पर मैंने लगा देना है ढक्कन, लेकिन ढक्कन को दबाना नहीं है।
और इसे 10 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल तेज़ हीट पर उबलने देना है। 10 मिनट के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी और फिर 10 मिनट और इन रोल्स को गर्म पानी में ही पड़ा रहने दूंगी। इस बीच ढक्कन बिल्कुल नहीं उतारना है। तो टोटल 20 मिनट रहे ये गर्म पानी के अंदर, 10 मिनट गैस ऑन, 10 मिनट गैस ऑफ, और ढक्कन उतारेंगे ध्यान से। और इसे अभी मैं निकाल कर रख रही हूँ प्लेट पर, और गर्म रोल्स को बिल्कुल नहीं खोलना है, इन्हें अभी किचन शेल्फ पर ही छोड़ देंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। एक बार ये रोल्स ठंडे हो जाएं तो फिर मैं इन्हें ज़िपलॉक बैग में डाल दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी कुछ घंटों के लिए। ये बहुत अच्छे से सेट होने चाहिए तभी इनको काटना है। अगर आप जल्दी में हैं और फ्रिज में रखने का टाइम नहीं है तो आप इन्हें फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, कम से कम एक घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें, उसके बाद काट लें। तो ये लीजिए, अब हमारे रोल्स फ्रिज में भी ठंडे हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं। इन्हें देखिए ज़िपलॉक बैग में डाल के रखा है, कोई स्मेल फिर नहीं फैलती फ्रिज में। को खोल कर भी दिखाती हूँ और फिर इसके स्लाइस कट कर लेंगे। दोनों ही रोल बढ़िया तरीके से सेट हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्म है रोल। चिकन सलामी के स्लाइसेस कट करने के लिए तेज़ धार वाला लंबा चाकू लें। कोशिश करें कि सभी स्लाइसेस की चौड़ाई बराबर रहे, लगभग 2 मिलीमीटर के करीब। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं स्लाइसेस, खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं, कलर भी कितना सुंदर है। धनिया डाला और चिली फ्लेक्स डाले, उससे बहुत बढ़िया कलर आ रहा है। आप चाहें तो आप इसमें पुदीना डाल लें, काले मिर्च डालें, सौंफ डालें, इटालियन सीजनिंग डालें। ये सभी फ्लेवरिंग्स आप जैसे ही व्यूअर्स ने पहले ट्राई करी हुई है जब मैंने इस वीडियो को इंग्लिश में पोस्ट किया था यूट्यूब पर और फेसबुक पर। मैं वीडियो देखकर बेशुमार लोगों ने इस सलामी को अपने घर पर ट्राई किया अलग अलग वेरिएशंस के साथ और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर किए। आप यूट्यूब लिंक पर कमेंट्स में भी देख सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज पर जाकर लोगों के फीडबैक पढ़ सकते हैं और पिक्चर्स भी देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई, अब इसे स्टोर कैसे करना है। इसे आप डालेंगे एयरटाइट कंटेनर में और फ्रिज में रखेंगे। इसे आप चाहें तो आप स्नैक्स में बिल्कुल ऐसे ही रुखा ही खा सकते हैं, चाहें तो खाएं ठंडा, चाहें माइक्रोवेव में 10 सेकंड गर्म करके खा लें। इसे आप सैंडविच में लगा सकते हैं ब्रेड स्लाइसेस के बीच में, चाहे सूप में डालें, चाहे सैलेड में डालें, पास्ता में डालें या फिर पुलाव में। ये बिल्कुल कुक्ड है तो आप किसी भी डिश में एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करने के लिए इसे डाल सकते हैं। घर में रोज़मर्रा के लिए बनाएं या फिर पार्टी स्नैक्स के लिए बनाएं। यहाँ स्क्रीन में जो आप 2 ट्रेस देख रहे हैं ये मैंने घर में पार्टी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप कुछ दिनों के बाद खाना चाहते हैं तो आप रोल्स को ज़िपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दें और जब ज़रूरत हो तो बाहर निकाल कर थॉ कर लें और उसके बाद काटें। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो याद से करें लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आप जितना लाइक करेंगे इस वीडियो को और जितने कॉमेंट्स देंगे उतना ही यूट्यूब प्रमोट करेगा वीडियो को। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।